एक चीज मेरे सामने आई कि जिस तरह पहले जमानतें होती थी, जिस तरह पहले डिस्चार्ज होते थे, वो तरीके कार में थोड़ी सी तब्दीली आ गई, और वो तब्दीली इतनी खतरनाक है लोगों के लिए कि लोग इस मामले में बड़े जलील हो रहे। जैसे किसी भी बंदे के ऊपर दरख्वास्त आएगी एसडीओ की तरफ से, पुलिस एहलकारान जिस तरह आम मामला के अंदर जाकर देखते हैं कि ये मामला हुआ भी है, पेश आया भी है कि नहीं, इस मामले में नहीं होगा। जैसे ही एसडीओ की दरख्वास्त जाएगी, पुलिस वाले फौरी तौर पर उसको ठा करके पर्चे में कन्वर्ट करेंगे। पर्चा हो भी जाएगा, लोगों को पता नहीं होगा उनके ऊपर पर्चा है, तो किसी शाम को पुलिस एहलकारान आएंगे, बंदे को उठा के हवालात में ले जाएंगे। अचानक पता लगेगा कि आपके ऊपर पर्चा था, पर्चा भी चार दिन पहले का था, और पर्चा किस बुनियाद पर था यह भी आपको पता नहीं होगा। और पता यह चलेगा कि 5 या 10 दिन पहले वापडा एहलकारान आए थे, उन्होंने आपसे रिश्वत मांगी, आपने दी नहीं, लो जी पर्चे में कन्वर्ट हो गया। का चोरी आपने की है नहीं की है वो बाद का मामला है। आप सबसे पहले तो मजिस्ट्रेट के पास पेश होंगे। मजिस्ट्रेट साहब की क्या हठधर्मी है कि मजिस्ट्रेट साहब आपको कोई डिस्चार्ज नहीं देंगे, कोई जमानत नहीं देंगे, आपको जुडिशियल कर देंगे। जुडिशियल का मतलब है आपको कैंप जेल भेजेंगे। जुडिशियल करने के बाद जब आप जमानत के लिए यहां पर सेशन कोर्ट आएंगे तो सेशन कोर्ट वाले आपको जलील करेंगे। क्या प्रोसीजर हमारे साथ पेश आया मैं आपको बताऊंगा। कल बरोज जुम्मे के दिन 462 आई का एक मुकदमा मेरे सामने आया। 11 बजे के करीब हम कोर्ट में मौजूद थे कि जी रिमांड पेश होंगे। 12 बजे के करीब रिमांड आए, 12 बजे रिमांड आया था, जुम्मे का दिन था। 12:15 तक जो मजिस्ट्रेट है उसको हमने आर्ग्यू किया कि जनाबे वाला देखें, ना मीटर इसके नाम है, ना ये वहां पर रहता है, ना घर इसके नाम है, इस बंदे के ऊपर पर्चे में कैसे मुलव्वस कर दिया था, तीमे बयान में डाल दिया आपने, ये पर्चा डिस्चार्ज होना बनता है, कम से कम इस बंदे को डिस्चार्ज करें। मजिस्ट्रेट साहब ने जुडिशियल कर दिया कि हमारे पास इख्तियारात नहीं, जुडिशियल कर दिया। 12:15 हो गए, 12:30 पे कोर्ट्स बंद होनी थी, 15 मिनट में मुसद्दका कापियां लेकर हम पोस्ट अरेस्ट बेल बनाकर यहां पर सेशन कोर्ट पहुंचे हैं। यहां पर हमने अपनी पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल की है। अब चूंकि 12:30 जज जा चुके होते हैं तो हमारी अपीयरेंस नहीं हो चुकी। आज हम आए हैं, थाने वालों को कॉल की कि जी यार आप अपनी मिसल लेकर आए, मिसल भी मंगवा दी, पोस्ट अरेस्ट बेल भी लगा दी। 15 मिनट के अंदर हमने मेहनत करके अटेस्टेड कापियां भी बनवा दी, जो बिल थे हमारे पुराने जमा वो भी बिल ले आए। तो पता यहां पर लगता है कि पहले आपको हम नोटिस करेंगे, नोटिस के बाद आपके बाकी मामला को हम तय करेंगे। मेरे दोस्तों ये क्या चीजें हैं। मैंने ऑनरेबल कोर्ट को आज उमेरतु ज़हरा साहबा की कोर्ट के अंदर हम गए, मैंने उनको कहा देखिए मैडम मिसल आई हुई है, बिल हमारे जमाशुदा है, बंदे के नाम ना मीटर है, बंदे के नाम ना जगह है, बंदा ना वहां पर रहता है, बंदे का ना आप डिस्चार्ज कर रहे हैं ना आप उसकी बेल कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं। तो कहती हैं आज आपकी डेट ऑफ अपेयरेंस है, पहले मैं इस पर नोटिस करूंगी प्रोसिक्यूशन। मैंने कहा मैडम ये प्रोसिक्यूशन बैठे हैं, अभी नोटिस कर दें, इन्होंने जो फाइल पढ़नी है 15 मिनट में पढ़ के आर्ग्यू कर लें, वैसे कौन सा ये आर्ग्यू करते हैं। लेकिन आपके इस काम की वजह से हमारा बंदा जुम्मे वाले दिन जुम्मे रात से अंदर कस्टडी में हवालात में, जुम्मे वाले दिन अंदर जेल में चला गया है, हफ्ता भी आज जेल में रहेगा, इतवार को भी जेल में रहेगा, मंडे को भी हम बेल फाइल करते हैं, रात को बंदा जेल से छूटेगा। चोरी उसने की है नहीं की है बाद की बात है, ये जलालत नहीं है। दूसरे नंबर पे एक बड़ी गंदी कंडीशन लगाई है, और यहां पर आकर लगता है कि जो अदलिया वो बजाद नहीं रही, बल्कि अदलिया एक कंट्रोल के अंदर आ गई। चोरी साबित हुई है नहीं हुई वो बाद की बात है। रूल ये पास हुआ है कि चोरी के पर्चे के बाद वापडा एहलकार आपको एक बिल बनाकर देगा, मैनुअल बिल। जब तक वो मैनुअल बिल एडजस्टमेंट वाला आप जमा नहीं करवाएंगे, आपकी बेल नहीं ग्रांट हो सकती। अब मान लीजिए कि आप पिछले सारे महीनों का बिल जमा करवा रहे हैं और आपको वापडा वालों ने 1 लाख बिल डाल दिया एडजस्टमेंट की सूरत में कि जी जमा करवा के, जब तक वो बिल आप जमा नहीं करवाएंगे तब तक आपको सेशन कोर्ट बेल ग्रांट नहीं करेगा। ये जितने भी रूल्स हैं ये जो नए पास हुए हैं ये सारे सेपरेशन ऑफ पावर्स की खिलाफ वर्जी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है, अदलिया की आजादी की खिलाफ वर्जी है। इसको लेकर इंशाल्लाह हाई कोर्ट में रिट को भी चैलेंज करेंगे कि ये जो मामलात हैं कम अज कम बेल स्टेज पर ये नहीं होने चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, अल्लाह हाफिज़।